Let's see another example regarding different flavors of getc and getc function. With here we are using one more extra case file a.txt. Before executing this application, creating some extra file a.txt in your system inside c drive, temp directory or any path. Then इस फाइल के अंदर इनिशियली कुछ कैरेक्टर एंटर करा लो, समथिंग एबीसीडी. मिसेस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से जस्ट पहले आपको एक फाइल रिक्वायर्ड होगा. फाइल आप खुद से मैन्युअली क्रिएट करोगे एज ए डॉट टी एक्स टी. प्लीज क्रिएट दिस फाइल इनसाइड लोकेशन टेम्प फोल्डर ऑफ सी ड्राइव. सी ड्राइव के अंदर टेम्परेरी फोल्डर पाने तो पहले टेम्परेरी फोल्डर क्रिएट करोगे, देन ए डॉट टी एक्स टी फाइल. देन फाइल के अंदर कुछ इनिशियली कैरेक्टर्स एंटर करा लोगे ए बी सी डी एंड सेव दिस फाइल. After that, then इसके जस्ट बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें. एज वी नो इन प्रीवियस केसेस, सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से जस्ट पहले इनिशियली जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, बाय डिफॉल्ट 3 कनेक्शंस क्रिएट होंगे. वन कनेक्शन विद कंसोल डिवाइस कीबोर्ड एस टी डी इन, एनदर कनेक्शन विद कंसोल डिवाइस मॉनिटर एस टी डी आउट. इसके अलावा एक और कनेक्शन क्या रहेगा, समथिंग एस टी डी ई आर आर. टोटल कनेक्शन ऑलरेडी कितने हैं, 1, 2, 3. जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, कॉन्सेंट्रेट दिस स्टेटमेंट. इस केस में फाइल पॉइंटर एफ इन क्रिएट किया है, इन इस केस में क्रिएट किया रहा ओपनिंग न्यू कनेक्शन विद बाय यूजिंग एफ ओपन फंक्शन विद ए डॉट टी एक्स टी फाइल इन विच मोड रीड मोड. मीन्स इस बफर के थ्रू डेटा रीड होगा या राइट होगा, रीड होगा. बिकॉज इस केस में मोड कौन सा यूज किया, आर. इसे पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिटेल्स में डिस्क्राइब करें इन केस ऑफ ड्यूरिंग फाइल हैंडलिंग. ओनली इस getc फंक्शन को डिटेल्स में लर्न करने के लिए मैंने सिंपली स्टेटमेंट इन्वॉल्व किया है. इन दैट केस जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो इसके रिस्पेक्ट में ए डॉट टी एक्स टी के साथ एक लॉजिकल कनेक्शन ओपन होगा, न्यू लॉजिकल कनेक्शन विद फाइल नेम ए डॉट टी एक्स टी प्लस. कनेक्शन का मीनिंग ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. कनेक्शन इज नथिंग बट इट इज अ temporary buffer inside RAM. What is the name of this connection? This connection logically identified using fin. इस connection का name क्या है? Logically fin. Next one. Then इस program को one by one execute करना start करें. इस first statement के according simply file और इस program के बीच में connection establish हो जाएगा. अगर suppose that आपके सिस्टम में नॉन एग्जिस्टिंग फाइल है a.txt, देन इस केस में इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं. इसलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से जस्ट पहले अपने सिस्टम में आप क्रिएट करोगे a.txt फाइल एंड बाय यूजिंग सम इनिशियल कैरेक्टर्स लाइक ए बी सी डी और सम अदर सिंबल्स. क्लियर? आफ्टर दैट कंटिन्यूइंग नेक्स्ट स्टेटमेंट. जैसे ही सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम में 5 वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, पी क्यू आर एस टी. We are declaring 5 local variables p, q, r, s, t. Therefore, allocating memory space for local variables p, q, r, s, t with the initial value garbage. We are not highlighting garbage value. Next one. आफ्टर दैट जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, इस केस में कॉल हो रहा है getc फंक्शन. getc फंक्शन के केस में करेंटली बफर नेम के पास क्या है, std. नेक्स्ट टाइम के पास क्या है, fin. जब getc फंक्शन में std इन पास करेंगे तो डेटा किस रीड हुआ, std इन से. और जब fin पास करेंगे तो डेटा किस रीड हुआ, fin से. वन मोर केस, कीबोर्ड के केस में डेटा रन टाइम पर एंटर करें. लेकिन फर्स्ट केस में जैसे ही लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, लॉजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का मतलब क्या था, सिंपली टेम्परेरी बफर एलोकेट करना. आफ्टर एलोकेटिंग बफर इमीडिएटली फाइल के अंदर अगर कोई भी कंटेंट्स फाउंड हो रहे हैं, ये सारे के सारे कंटेंट्स लोड हो जाएंगे इनसाइड दिस बफर. इसलिए इस केस में एफ एन के अंदर इनिशियली क्या ऑलरेडी फाउंड हुआ, कैरेक्टर्स ए बी और वी कैन से इट्स आस्की वैल्यूज. आस्की वैल्यू ऑफ ए विच इज 65, ASCII वैल्यू ऑफ बी 66, 67, 68. टोटल कितने बाइट्स एंटर हो जाएंगे इस बफर में, इनिशियली 4 बाइट्स और 4 कैरेक्टर 65, 66, 67, 68 लाइक दैट. इसके बाद इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें. देन सेकंड स्टेप क्या रहेगा, एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर पी क्यू आर एस टी. थर्ड स्टेप, जैसे ही getc फंक्शन कॉल हुआ है, getc फंक्शन फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किससे हो रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट बफर एस टी डी इन.
एसटीड इन के केस में करेंटली कोई इन्फॉर्मेशन फाउंड नहीं हो रहा, देयरफॉर वी आर एंटरिंग सम इन्फॉर्मेशन लाइक सम कैरेक्टर्स एक्स वाई जेड यूजिंग सम कैरेक्टर एक्स वाई जेड देन एंटर की. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर एंटर्ड बाई यूजिंग कीबोर्ड? 4. इस केस में क्या आएगा? एक्स वाई जेड एंटर की के अकॉर्डिंग कर्सर का सेंटर ऑन द नेक्स्ट वर्ड. फाइनली एंटर्ड कैरेक्टर्स के ASCII वैल्यू जो आसान हो जाए इन साइड बफर. ASCII वैल्यू ऑफ एक्स इज 88, 89 एंड फाइनली 90 देन 10. एज वी नो ASCII वैल्यू ऑफ अपर कैरेक्टर्स ए टू जेड बिगिंस फ्रॉम 65. लास्ट कैरेक्टर का ASCII वैल्यू क्या होता है? 90. नेक्स्ट वन, जैसे ही बफर के अंदर डेटा फाउंड हुआ इमीडिएटली रीड होगा सिंगल बाइट फ्रॉम करेंट पोजिशन ऑफ द स्टैंडर्ड इनपुट बफर और करेंट पोजिशन ऑफ द बफर पॉइंटर. क्या फाउंड हो रहा है? 88. इसलिए इसे रिटर्न क्या हुआ? 88. आफ्टर रीडिंग करेंट बाइट्स बफर पॉइंटर विल मूव फ्रॉम द नेक्स्ट बाइट. नाउ पॉइंटर विल पॉइंटिंग सेकेंड बाइट्स. नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से गेट सी कॉल हुआ, लेकिन सेकेंड टाइम गेट सी के थ्रू डेटा किस बफर से रीड होगा? सेम बफर एसटीडी और न्यू बफर एफ इन और एफ इन किससे कनेक्टेड है? फाइल से. तो इनडायरेक्टली कंटेंट्स किस प्लेस रीड होंगे? फ्रॉम अ फाइल. तो नेक्स्ट टाइम रीड क्या हुआ? करंट पोजिशन से 65. आफ्टर रीडिंग 65 पॉइंटर विल मूव फ्रॉम द नेक्स्ट बाइट और सेकेंड बाइट लाइक दैट. नेक्स्ट वन अगेन वी आर कॉलिंग गेट केयर फंक्शन. गेट केयर फंक्शन ऑलरेडी प्री अंडरस्टूड है, मीन्स बाय डिफॉल्ट से डेटा किस प्लेस रीड हुआ? फ्रॉम अ एस टी डी इन किस प्लेस रीड हुआ? करेंट पोजिशन ऑफ द बफर पॉइंट विच इज 89. इट विल रिटर्न्स ASCII वैल्यू ऑफ वाई विच इज 89. आफ्टर रीडिंग ASCII वैल्यू ऑफ वाई इट विल मूव बफर पॉइंट ऑन द नेक्स्ट बाइट थर्ड पोजिशन. नेक्स्ट वन 89 इज असाइन टू द वेरिएबल आर. प्रीवियस केस में पी में क्या असाइन कर चुके ऑलरेडी? 88. नेक्स्ट टाइम क्यू में क्या असाइन हो चुका ऑलरेडी? 65. नेक्स्ट टाइम आर में क्या असाइन हुआ है? 89. नेक्स्ट वन अगेन कॉल किया नेक्स्ट टाइम गेट सी फंक्शन. थर्ड केस मीन्स फोर्थ केस में कॉल क्या हो रहा है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप देन एस इक्वल्स टू गेट सी एफ इन. गेट सी के थ्रू डेटा अगेन किस बफर से रीड हो रहा है? फ्रॉम एफ इन. एफ इन से अगेन करंट प्लेस पर फाउंड किया 66. देयरफॉर इट विल रिटर्न 66. आफ्टर रीडिंग 66 कर्सर विल मूव फ्रॉम द नेक्स्ट बाइट ऑफ द बफर पॉइंटर एफ इन. मीन्स एफ इन से डेटा रीड करने का मीनिंग है इनडायरेक्टली फाइल से डेटा रीड करना. एस टी डी इन से डेटा रीड करने का मीनिंग इनडायरेक्टली कंसोल डिवाइस कीबोर्ड से डेटा रीड करना. देन रीड क्या हुआ इस केस में? 66 असाइन टू द वेरिएबल एस. वैल्यू ऑफ एस बिकम 66. नेक्स्ट लास्ट केस टी इक्वल्स टू गेट सी. अगेन डेटा किस प्लेस रीड हुआ? फ्रॉम एस टी डी इन बाई यूजिंग गेट सी फंक्शन. गेट सी फंक्शन के थ्रू नेक्स्ट टाइम डेटा जब एस टी डी इन से रीड करें मीन्स अगेन वी आर रीडिंग डेटा फ्रॉम कंसोल डिवाइस कीबोर्ड. कीबोर्ड के केस में करंटली बफर में एस टी डी में क्या फाउंड हो रहा है? करंट प्लेस पर 90. रिटर्न क्या हुआ? 90. लेकिन 90 रीड होने के बाद कर्सर कम हो जाए ऑन द नेक्स्ट वाइट मीन्स 10. ऑलरेडी रिटर्न क्या हुआ? 19. देयरफॉर 90 इज असाइन टू द वेरिएबल टी. वैल्यू ऑफ टी बिकम्स 90. नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद प्रिंटएफ फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले क्या कराया? कैरेक्टर वैल्यू परसेंट सी के थ्रू फर्स्ट परसेंट सी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ? वैल्यू ऑफ पी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? 88. डिस्प्ले क्या हो रहा है? कैरेक्टर वैल्यू ऑफ 88 इज एक्स. नेक्स्ट वन सेकेंड परसेंट सी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे कैरेक्टर वैल्यू ऑफ क्यू. क्यू में 65 स्टोर्ड है देयरफॉर इक्वलेंट टू ए. नेक्स्ट वन थर्ड परसेंट सी के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे वैल्यू ऑफ आर एंड आर का वैल्यू क्या फॉर्म 89 इक्वलेंट टू वाई अपर वाई. नेक्स्ट वन फोर्थ परसेंट सी के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ एस एंड एस का वैल्यू क्या 66 इक्वलेंट टू बी. लास्ट केस में परसेंट सी के प्लेस पर रिप्लेस कराएं वैल्यू ऑफ टी. टी में 90 स्टोर विच इज इक्वलेंट टू जेड. देयरफॉर फाइनल रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ इस प्रिंट एफ से? एक्स ए वाई बी जेड. दिस द आउटपुट एक्स ए वाई
बी जेड सेपरेटेड बाई स्पेसिस। इस केस में सेपरेशन किससे हो रहा है, स्पेस से, एक्स देन ए देन वाई देन बी एंड फाइनली जेड। दिस द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम।